कैसे हो दोस्तों, मेरा नाम है आसिफ और आप देख रहे हैं डी फिशिंग टैग। तो चलिए दोस्तों, आज हम समंदर की गहराइयों में पहाड़ों को खंदोलते हैं और एक ऐसी आबी मखलूक से आपको मिलाते हैं जो आपने पहले कभी शायद ही इसको देखा होगा। आप जो समंदरी जानवर को देख रहे हैं, इसे फादर स्टार या सी लिलीस भी कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये एक पौधा, सिर्फ एक पौधा नहीं है, क्योंकि ये एक जानवर है, क्योंकि ये नकल व हरकत करते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह अपनी खुराक के लिए। अपने बदलते हुए माहौल के हिसाब से ये एक जगह से दूसरी जगह ये चलते रहते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इनकी ख़ास बात है कि ये एक जगह से दूसरी जगह जाकर, जैसे पौधे जिस तरह से एक पहाड़ पर हो या एक ज़मीन पर उगते हैं, उस तरह से जाकर ये सेट हो जाते हैं। ये देखने में बहुत ही खूबसूरत होते हैं और इनकी गिज़ा जो होती है, इल्जी लार्वे और बचे कुचे समंदर में जो मछलियां मरती हैं उनकी जो फसल्स होते हैं उसके हिस्से बाकियात जो होते हैं उससे अपनी गिज़ा को फिल्टर कर लेता है, जहां आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये आबी जानवर लगभग सभी समंदरों में, सभी देशों के समंदरों में पाए जाते हैं। इसकी एक और एक ख़ास बात है कि ये दूसरे आबी जानवरों की तरह जब मरते हैं तो इसका जो बाकी जिस्म होता है वो जल्दी से ख़राब नहीं होता है, बल्कि ये लाखों साल तक समंदर में उसी तरह पड़ा हुआ रहता है। इसीलिए पुराने ज़माने में बर्तानी इसे खलाई मखलूक समझते थे, क्योंकि जब ये मरकर समंदर से बाहर निकलती हैं और धूप में जब सूख जाती हैं तो ये तारे की नुमा शक्ल इख्तियार कर लेती हैं। यही वजह है कि बर्तानी इसे खलाई मखलूक समझते थे। और ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया दोस्तों।